नमस्कार, मैं भावना पैंस एंड ओवंस में आपका स्वागत करती हूँ। गर्मी का मौसम हो और हम कुल्फी ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी मटका कुल्फी। इसके लिए हम सबसे पहले 1 लीटर दूध लेंगे और उसको कढ़ाई में अच्छे से पकाएंगे। साथ में जब तक हमारा दूध पक रहा है, हम एक कटोरी में फुल कस्टर्ड पाउडर लेंगे और उसको भी थोड़े से दूध के अंदर मिक्स करके साइड में रख देंगे और बाकी सारा दूध हम पकने के लिए गैस पर रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप शुगर, 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून काजू और 1 टेबलस्पून किशमिश। आप कोई भी अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, इसके अंदर आप पिस्ता डालना चाहें तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मध्यम आंच पर कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा दूध जो है वो नीचे नहीं लगे। अब हम इसमें 250 ग्राम मावा डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे। मावा डालने के बाद हमें इसे कम से कम 5 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाना है। अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर पहले से ही मिक्स करके रखा हुआ था वो इसके अंदर डालेंगे और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अब हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध जो है थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच छोटा इलायची पाउडर डालेंगे और कुछ बूंदे केवड़ा एसेंस की। अगर आप ये नहीं भी डालना चाहते तो ना डालिए, उसके बिना भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसके अंदर दूध में भीगा हुआ थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। अब हम इस दूध के मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। मिक्सचर खूब अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसको अच्छे से बीटर से एक बार चर्न कर लेंगे। अब हम इसको किसी भी मोल्ड में, चाहे आप मटकियाँ ले लीजिए या आइसक्रीम के मोल्ड ले लीजिए या कुल्फ़ी के मोल्ड ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके अंदर हम इसको पोर करके और फ्रीज करेंगे। अब हम इसको 6 से 7 घंटे के लिए, नहीं तो ओवरनाइट फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। लगभग 8 घंटे बाद कुल्फ़ी अच्छे से जमकर तैयार हो गई है। अब आप इसको सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि नए रेसिपीज़ के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।